हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ट्रेंच। आज हम लोग एक और नए टॉपिक की तरफ फोकस करेंगे, दैट इज पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड 3 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन गुजरात विच इज हिज होम स्टेट। ओके, आप सबको तो पता ही होगा गुजरात उनका होम स्टेट है और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उन्होंने, दैट इज रिलेटेड टू फार्मर्स वेलफेयर, हेल्थ केयर एंड टूरिज्म डेवलपमेंट। और ये जो उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ही हैज लॉन्च्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो आइए चलिए देखते हैं ये 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं क्या। सबसे पहला किसान सूर्योदय योजना जो कि है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट है पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल जो कि है बच्चों के लिए। हार्ट हॉस्पिटल पेडियाट्रिक यानी कि जो पेडियट्स होते हैं वो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, इस वजह से ये बच्चों के दिल की बीमारियों के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए एक हॉस्पिटल लॉन्च किया है वहाँ पे अहमदाबाद में। लास्ट प्रोजेक्ट है हमारा 2.3 किलोमीटर लॉन्ग रोप वे प्रोजेक्ट, और कहाँ पे लॉन्च किया है, माउंट गिरनार। इसके लिए पिलग्रिम्स यानी कि जो तीर्थ यात्री हैं। तो आइए अब एक एक करके सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। द फर्स्ट वन इज किसान सूर्योदय योजना, यानी कि जैसा नाम है आप समझ पा रहे हैं, सूर्योदय यानी कि समथिंग रिलेटेड टू सनलाइट। यस, अब क्या किया है कि किसान सूर्योदय योजना में है कि फार्मर्स अब उनको दिन के वक्त भी, डे टाइम में भी अब उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी फार्मिंग पर्पस के लिए, जस्ट लाइक इरिगेशन। लेकिन पहले क्या था कि उनको सिर्फ रात में ही उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, और इस योजना के आने के बाद उन्हें डे टाइम में भी मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। और उनका ड्यूरेशन क्या रहेगा इलेक्ट्रिसिटी मिलने का, फ्रॉम 5 AM सुबह के 5 बजे से रात के 9 बजे तक उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी लगातार। और इसके लिए जो बजट अलोकेट किया गया है वो है 3,500 करोड़ का बजट है, और ये कब तक बनने को है, 2023 तक। स्टूडेंट्स, से जितने भी की पॉइंट्स है प्लीज इसे याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ऑलराइट, और ये जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें से कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। और इसका जो मंत्र है, वन ड्रॉप मोर क्रॉप, यही इसका मंत्र है कि एक एक बूंद हमें पानी का बचाना। ये नहीं कि हमें इरिगेशन के लिए अगर बिजली मिल रही है तो हम सारे के सारे वाटर, जितने भी वाटर सोर्सेज है उसको वेस्ट करें, उसको एफिशिएंटली यूज करें टू गेट मोर एंड मोर क्रॉप प्रोडक्शन। जो सेकेंड प्रोजेक्ट है हमारा वो है पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल, यानी कि बच्चों के दिल के मरीज के लिए हॉस्पिटल बनाया गया। इस हॉस्पिटल का क्या है कि ये हॉस्पिटल ना कि सिर्फ गुजरात के बच्चों का बल्कि फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चों का इलाज करेगा। और ये हॉस्पिटल किससे अटैच हुआ है, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर इन अहमदाबाद। ये एक इंस्टीट्यूट है कार्डियोलॉजी का, यानी कि ये भी दिल से रिलेटेड रिसर्च सेंटर था, और इसी में अटैच किया गया है इस पेडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल को विथ एन एक्सपेंशन ऑफ 470 करोड़ रुपये। 470 करोड़ रुपये में इसकी लागत है, एक्सपैंड किया गया है, जिसके बाद क्या होगा कि पहले 450 बेड्स थे और अब इस एक्सपेंशन मनी के बाद 1,251 बेड्स और हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें कि ये हॉस्पिटल देश का सबसे बड़ा और सबसे पहला सुपर स्पेशलिटी कार्डियक टीचिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा। कार्डियक मतलब कि दिल से रिलेटेड, ओके, दिल के जितने भी मर्ज होते हैं उससे जुड़ा हुआ जो भी टर्म है वो कार्डियक कहलाता है। ओके, तो इस इंस्टीट्यूट के बनने के बाद ये देश का सबसे पहला और सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी टीचिंग इंस्टीट्यूट बन जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो हमारा है वो है रोप वे प्रोजेक्ट। रोप वे, आपको स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे हो रोप वे होता क्या, सबसे पहले हम आपको इसकी पिक दिखाते हैं। ये है आपका रोप वे, ओके, ये पूरा ये देख रहे हो आप, ये केबल है, केबल से अटैच किया गया है इसे, और एक केबिन टाइप का है। इस केबिन के अंदर लोगों को फिलअप किया जाता है, इसके बाद इसको एक जगह से दूसरी जगह इनको ट्रांसफर किया जाता है। यही आपका रोप वे। अब देख लेते इसमें है क्या। ये रोप वे क्या है, इसकी लेंथ है 2.3 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि ये बहुत ही लंबा रोप वे बनाया जा रहा है। कहाँ पे बन रहा है, माउंट गिरनार इन जूनागढ़, ये भी गुजरात का ही हिस्सा है, विच इज अ मेजर पिलग्रिमेज साइट। पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ
स्थल है, यहाँ पे कई तीर्थांक आते हैं यहाँ पे तीर्थ यात्रा के लिए। अब इस रोपवे की स्पेशलिटी क्या है कि ये टोटल 25 केबिन्स हैं इसमें, जिसमें एक ग्लास फ्लोर केबिन भी है, एक ही है सिर्फ ग्लास फ्लोर केबिन, और हर एक केबिन की कैपेसिटी है 8 पैसेंजर्स। 8 पैसेंजर्स को एक बार में ट्रांसफर करना और टोटल 1 घंटे में 800 लोगों को ट्रांसफर करता है, पूरे एक दिन की अगर बात की जाए तो 8,000 लोगों को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह में। इस रोपवे के बनने के बाद क्या होगा, कहा जा रहा है कि ये एशिया का सबसे लंबा रोपवे है या बन जाएगा, जो कि किसी एक टेम्पल के पास है। और इसके अलावा इसे डेवलप किसने किया है, बाय उषा ब्रेको लिमिटेड, और इसकी लागत कितनी है, 130 करोड़ रुपए, ये टोटल इसकी लागत है। और ये रोपे के बारे में आप लेंथ जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 2.3 किलोमीटर इस रोपे की लेंथ है, जो कि माउंट गिरनार में है जूनागढ़ में। सारे टर्म्स को याद जरूर करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके पिक, और यही हमारे 3 बेसिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो कि गुजरात में मोदी जी ने लॉन्च किया है। और आज के इस फैक्ट के लिए बस इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू ऑल।